हरे कृष्णा। देखिए आज हम लोग एफएम में कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, लेवरेज का, वो इसी चैप्टर का था। ये चैप्टर जो पूरा था ना, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज था। लेवरेज का पोर्शन पढ़ लिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने कैपिटल वर्ड सुन रखा होगा, स्ट्रक्चर वर्ड भी सुन रखा होगा। कैपिटल मतलब क्या होता है? कितना पैसा लगा रखा है। अच्छा, वो भी हम कहां कहां से लगा सकते हैं? डेट से, इक्विटी से। और नॉर्मल जीवन में स्ट्रक्चर मतलब कैसा क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से चीजें बनेंगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या सीखेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग ये समझते हैं कि आप अपने जो भी कैपिटल लगा रहे हैं, वो डेट हो कि इक्विटी हो कि प्रेफरेंस शेयर हो कि सबका कॉम्बिनेशन हो, और अगर हो भी तो किस रेशियो में हो। आपने चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, इंडिविजुअल सोर्सेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना आपको आती है, सबकी अलग अलग तरीके से निकाली जाती है, और आपको WACC भी निकालना आता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें WACC सबसे कम आए। भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम कंपनी, हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना होगा जिससे WACC ज्यादा आए कि कम आए। क्या चाहिए होगा? कम। जितनी कम हमारे को WACC होगी, कॉस्टिंग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितनी कम कॉस्ट उतना बढ़िया। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि हम कितना डेट रखें, कितना इक्विटी रखें। छोटे में स्कूल में हो सकता है आपने पढ़ा हो आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो, पढ़ा है कभी? ऐसा सुना है? कितना पढ़ा है? 2:1 का डेट इज टू इक्विटी रेशियो, 2:1 ऐसा पढ़ाया जाता है स्कूल में। 2:1 का मतलब समझते हैं? आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब 2:1 का मतलब अगर 1 रुपए की इक्विटी है तो 2 रुपए का डेट, मतलब जितनी भी आप इक्विटी लगा रहे हैं, लेट्स से आपको 3 करोड़ रुपए की जरूरत है तो 2 करोड़ रुपए का डेट लगाइए और 1 करोड़ रुपए की। बट ये थियोरेटिकल बात है, अगर यही प्रैक्टिकल होता तो आप ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते। आपको ये चैप्टर में यही पढ़ना है कि आपके लिए ऑप्टिमम, आपके लिए आइडल सिचुएशन क्या है। अगर सबके लिए यही होता 2:1 का तो सबको पता होता। आप अभी कोचिंग आ रहे हैं, लेट से आप किसी रिक्शा करके आ रहे हैं, वो बोला कहां जा रहे हो? आपने कहा एफएम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। वो कहता अरे क्या पढ़ने जा रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हम बता दे रहे तुमको 2:1 का रेशियो होता, चलो बैठो, चलो गुल्ली डंडा खेलते हम लोग, चलो। दैट मीन्स वो थियोरेटिकल था, ये प्रैक्टिकल है। रीजन बीइंग देखिए है क्या, जैसे हमने माना कि चलो 2:1 है, लेकिन मान लो कोई नई फर्म है, नई कंपनी है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, जिसके प्रमोटर्स की इतनी अच्छी गुडविल नहीं है कि मार्केट से डेट उठा पाए, क्या उसको डेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको रिलाई करना पड़ेगा खुद के पैसों पे, इक्विटी पे ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। अब समझ रहे हैं बात को? बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये चैप्टर हमको यही सिखाता है कि किस तरीके के कैपिटल स्ट्रक्चर होने चाहिए, अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर सिखाएगा हमको, और उसकी WACC निकालना सिखाएगा जो कि हमें आती है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एंड वैल्यू ऑफ फर्म निकालना सिखाएगा, फर्म की वैल्यू। हमारी कोशिश, हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, WACC कम करना और फर्म की वैल्यू, क्या लगता है आपको, कम करना कि ज्यादा करना? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जाएंगे, आपका इंटरव्यू हुआ, आपने कहा बस एक चांस देखे, देखिए सर आपकी फर्म की वैल्यू कहां से कहां पहुंचा देंगे एक ही दिन, ऐसा कि ऊपर करेंगे, बढ़ाएंगे। तो फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज करना एंड WACC मिनिमाइज करना, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। इसी के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी अलग अलग, देखिए अब इसका कोई लॉ तो है नहीं, अब कोई कानून तो पढ़ नहीं रहे कि कंपनीज एक्ट ने आपको पढ़ा दिया, तो इस पे अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से बताई चीजें, अलग अलग थ्योरिस्ट ने थ्योरी दी। बेसिकली 4 थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, नेट इनकम अप्रोच पढ़ेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है ना, ये हर जगह आपको, जहां कोई नहीं पहुंचता वहां मोदी जी पहुंच जाते हैं, वो आपको मिलेगा। ये वो वाले मोदी जी नहीं,
ठीक है ना, ये दूसरे मोदी जी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, और पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर की मीनिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द स्ट्रक्चर, अंडरलाइन करो, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रेकअप ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए फर्म, की जो टोटल कैपिटल लगाई है उसका ब्रेकअप क्या है, उसमें से कितना डेट है, कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस शेयर है, कितना रिटेन्ड अर्निंग है, कितना बैंक का लोन है, क्या है, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का ब्रेकअप जो होता है वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। द कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्ट ऑफ, इसमें दोनों चीजें क्या क्या, एक ओनर्स की भी कैपिटल है और एक डेट कैपिटल भी। कितनी तरीके के कैपिटल स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ वेरियस काइंड, कौन कौन से, एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, सब समझाते हैं, एक है वर्टिकल, चार है टोटल, एक है पैरामिड शेप और चौथा कौन सा है, इन्वर्टेड पैरामिड शेप। मैं आपको समझाता हूं चारों क्या। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनानी हो, हॉरिजॉन्टल कैसे बनता है, बिल्कुल ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर यह कहता है कि आपकी फर्म में केवल इक्विटी होगी। मतलब चार तरीके की फर्म मार्केट में पाई जाती है, कुछ फर्म का हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कुछ का वर्टिकल, कुछ का पिरामिड और कुछ का इन्वर्टेड पिरामिड। हॉरिजॉन्टल कौन सी फर्म्स होती है, कौन सी कंपनीज होती है, जिनके यहां डेट का पोर्शन नहीं होता है, नो डेट। तो सर क्या होता है फिर, ये पूरा का पूरा क्या होता है, इक्विटी होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है। रिटेन्ड अर्निंग आप समझते हैं ना, जो पैसा कमाया वो खुद ही रोक लिया, अगर जरूरत थी तो खुद ही रोक लिया, यानी डेट पे भरोसा नहीं कर रहे। जरा बताइएगा इन्हें हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे, इन्हें हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर द फर्म है जीरो डेट कंपोनेंट इन द स्ट्रक्चर में, यानी कितना डेट है, जीरो। द स्ट्रक्चर इज क्वाइट स्टेबल, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर आप बहुत बड़े से प्लॉट पे केवल ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो जल्दी गिरेगा नहीं, और छोटे प्लॉट पे 50 गज 100 गज के प्लॉट पे आपने 20 मंजिला तान दिया तो गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो हॉरिजॉन्टल वाला क्वाइट स्टेबल है। एक्सपेंशन ऑफ द फर्म, अगर कल को फर्म को हमें ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, और पैसों की जरूरत है तो कहां से लाएंगे, इक्विटी से या फिर रिटेन्ड अर्निंग। क्या लगता है ऐसी कंपनियां जिनमें केवल इक्विटी हो वो बेटर होगी, दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल इक्विटी, एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल डेट, या यूं कहें इक्विटी कम डेट बहुत ज्यादा, कौन सी बेटर है, दोनों ही अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर हम दाल में नमक ना भी डालें तो भी मजा नहीं आता, बहुत ज्यादा डालें तो भी मजा नहीं आता। यानी अगर हम पहले वाले की बात करते, स्ट्रक्चर स्टेबल है, लेकिन कल को अगर मार्केट में हम बात करें तो केडी जो होता है वो आपको पता है थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू के, आपने कॉस्ट पढ़ रखी है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, लेवरेज चैप्टर भी आपने पढ़ा था। अगर आप डेट रखेंगे ही नहीं तो आपको फाइनेंशियल लेवरेज का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। याद आ रहा है ना आपको, फाइनेंशियल लेवरेज में हमने पढ़ा था कि जिनके यहां डेट होता है उनका अगर ईबीआईटी भरता है तो ईबीटी मल्टीपल्स में भरता है, मैग्नीफाइंग इफेक्ट दिखाता है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, बिकॉज ऑफ डेट। तो अगर डेट होगा ही नहीं तो फिर आपको ये दिक्कतें आएंगी कि आपका स्ट्रक्चर तो स्टेबल है बट प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, रीजन बीइंग आपने जितने भी कंपोनेंट लगा रखे हैं वो सब हाई कॉस्ट वाले, इक्विटी वगैरह, डेट वगैरह लो कॉस्ट के कंपोनेंट आपने नहीं लगा रखे, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर किस तरीके का मिलता है मार्केट में, वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, मैं पहले आपको बताऊं वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, बेस बहुत छोटा होता है, बहुत कम आपकी इक्विटी होती है, और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर होता है, और फिर जितना भी पैसा चाहिए वो सब किससे आता जाता है, डेट से। जब भी और पैसा चाहिए और डेट, और पैसा चाहिए और डेट। अगर हम बात करें ये स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, अच्छा है, बेटर है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर सोच समझ करके डेट नहीं रखा जाएगा और डेट को बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो वही होगा कि छोटी सी जगह में आपने बहुत सारी मीनारें तान दी हैं, वो दिक्कत आपकी ये आएगी कि वो गिर सकती है, कल को कोई भी हवा का झटका आया तो वो गिर सकती है। पढ़ के देखिएगा, इन अ वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर बेस जो होता है
इज फॉर्म बाई स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी. इक्विटी बहुत कम होता है. इंक्रीमेंटल हमेशा किसमें होता है? एडिशन इज ऑलमोस्ट इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ, आप समझ गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जस्ट अपोजिट है. हॉरिजॉन्टल में डेट नहीं था, वर्टिकल में ज्यादातर क्या पोर्शन है? डेट का. इक्विटी तो रखनी पड़ेगी, कंपनी है तो आपको बताइए, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी, इसके ऊपर आपका डेट. इसके अलावा जो तीसरा है, पैरामिड शेप कैपिटल स्ट्रक्चर. अच्छा, पैरामिड शेप, पैरामिड शेप कैसा बनेगा? ट्राइंगल, ठीक है. ये इसमें क्या होता है, आपका ये जो बेस आपको दिख रहा है ना, ये बेस होता है इक्विटी का, यानी इसमें इक्विटी का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, इक्विटी का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है और डेट वगैरह कम होता है. ये डेट है, डेट कम होता है. पढ़िएगा, ये पैरामिड शेप कैपिटल स्ट्रक्चर हैज ए लार्ज प्रोपोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी एज वेल एज, यानी इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का पोर्शन क्या है? ज्यादा है, लार्जर पोर्शन है. एंड स्मॉल प्रोपोर्शन है किसका? ये भी ठीक है, अच्छा है. कैपिटल स्ट्रक्चर तीन पढ़े अभी तक, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक इसी का ही उल्टा, इन्वर्टेड पिरामिड. इन्वर्टेड मींस जस्ट उल्टा. तो उल्टा बनाए तो कैसा बनेगा? ऐसा. इसमें ये जो है, इधर देखिएगा, ये जो है कम पोर्शन, ये है इक्विटी का, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी रहता है, इक्विटी बहुत कम रहता है, ज्यादा क्या रहता है? डेट. ऐसा स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलता है, मैं आपको बताऊं, ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे फर्म्स में देखने को मिलता है जिसके प्रॉफिट्स नहीं है, जिसके लॉसेस होते जा रहे हैं, और लॉसेस को एकोमोडेट करने के लिए वो और लोन पे लोन लेती जा रही है. लॉसेस हुए, अब लॉसेस हुए तो खर्चा कैसे बीट करें? सैलरी देनी है, वेजेस देना है, रेंट देना है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, लोन पे लोन लेते चले जा रहे हैं. देखिए, वर्टिकल में और इन्वर्टेड पैरामिड में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें सिमिलर लग रही हैं. कैसे? वर्टिकल में भी डेट का प्रपोर्शन ज्यादा था, इक्विटी का प्रपोर्शन कम था. इन्वर्टेड पैरामिड में भी ऐसा ही है, डेट का प्रपोर्शन ज्यादा है, लेकिन तब भी दोनों में अंतर क्या है? इन्वर्टेड पैरामिड का मतलब है आपकी फर्म रेवन्यू नहीं कमा पा रही है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, लॉसेस में जी रही है. और वर्टिकल क्या है कि प्रॉफिट है लेकिन हम डेट पे थोड़ा ज्यादा भरोसा करते हैं. तो अगर इन दोनों में भी हम कंपेयर करें, वर्टिकल और इन्वर्टेड पैरामिड में, तो कौन सी बेटर है? वर्टिकल बेटर. इन्वर्टेड पैरामिड तो बहुत ही बेकार सा है. पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है. सच अ कैपिटल स्ट्रक्चर हैज ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इक्विटी. इक्विटी बहुत ही कम है, तो ज्यादा क्या है सर? रीजनेबल लेवल ऑफ रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग भी बहुत कम है, रीजनेबल लेवल है, बहुत कम. बट An ever increasing component of debt, debt बढ़ता चला जा रहा है. All the increases in capital structure in the recent past have been made through debt only. तो सर फिर vertical, और इसमें अंतर क्या है? अंतर है आगे वाली line में जो लिखा है, this may be due to shrinking of retained earning. आपकी retained earning, आपकी कमाई कम होती जा रही है. On account of accumulated losses, losses बढ़ते जा रहे हैं. Such a capital structure is highly vulnerable to collapse. Vulnerable मतलब समझते हैं? Risk. कोलैप्स समझते हैं? गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. भाई देखिए, आपने लेट से कोई बिजनेस शुरू किया, प्रॉफिट होगा तभी तो चला पाएंगे, लॉस होगा तो कब तक चला पाएगा कोई बिजनेस? एक साल, दो साल, तीन साल. लॉस का मतलब है घर से पैसा लगा जा रहा है या लोन लाके पैसा लगा जा रहा है, तो उसकी एक लिमिट है. जब आपको लगेगा कि भैया ये पैसा तो सब खत्म हो जाएगा, तो आपको बंद करना ही पड़ेगा. तो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है. तो अगर ये थियोरेटिकल पार्ट है, अगर आपसे पूछता है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपको ये चारों एक्सप्लेन करने होंगे. कौन कौन सा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरामिड शेप एंड इन्वर्टेड पैरामिड. हॉरिजॉन्टल में आप बता दीजिएगा डेट नहीं है, केवल क्या है? इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है. वर्टिकल में स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी, लिखना हो तो एक लाइन एडिशनल जोड़ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी थोड़ा उसके ऊपर है, और उससे ऊपर क्या है? हमेशा डेट, एवर इंक्रीजिंग कंपोनेंट ऑफ डेट. जितनी भी और एक्सपेंशन करना है वो डेट पे करते हैं. और उसके बाद आपने तीसरा कौन सा पढ़ा? पिरामिड शेप. पिरामिड शेप में आपने ये पढ़ा, इक्विटी और रिटेन अर्निंग ज्यादा है, डेट थोड़ा कम है. और फिर इन्वर्टेड पिरामिड में जस्ट उल्टा क्या पढ़ा आपने? इक्विटी वगैरह कम है और डेट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है. रीजन भी इसमें जब लिखिएगा तो ये जरूर लिख दीजिएगा कि फर्म के
रिटेन्ड अर्निंग श्रिंक होती जा रही है, उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। एंड सच अ कैपिटल स्ट्रक्चर इज हाईली वल्नरेबल टू कोलैप्स। ऐसी अगर आप लाइन लिख देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ये बात समझ गए। अब हमें अपने यहां कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहिए, जाहिर सी बात है इन चारों में से फोर्थ वाला तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। फोर्थ वाला कोई अपनी सोच समझ के तो रखता नहीं, मजबूरी में करना पड़ता है, लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें तीन में से कौन सा रखना चाहिए, और इन तीन में भी एज इट इज रखना चाहिए कि थोड़ा फेरबदल करना चाहिए, इसके लिए चार अलग अलग लोगों ने अपने अप्रोचेस दिए हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग, ये अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से अपनी थीम बताई। जैसे आपने जब डिविडेंड डिसीजन पढ़ा था, डिविडेंड डिसीजन में आपने यही तो पढ़ा था कि वॉल्टर साहब का ये कहना था, गॉर्डन साहब का ये कहना था, मोदी साहब का ये कहना था, उनकी अपनी एजम्पशन थी, उनका अपना फॉर्मूला था। सेम तरीके से यहाँ पे है, अलग अलग एजम्पशन हैं, अलग अलग फॉर्मूला है। और उससे भी पहले एक छोटी सी बात और आ रही है, चैप्टर का नाम अगर आप देखते हैं तो चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या नाम है चैप्टर का? क्या कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दोनों सेम टर्म है कि दोनों में अंतर है? मार्केट में बहुत से लोग इन दोनों को एग्जैक्टली सेम ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। सुनने में तो अगर हम लोग ना पढ़ें तो सुनने में तो एक ही जैसा लग रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोल लीजिए या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, दोनों में अंतर है। कभी आपने कोई बैलेंस शीट देखी है, भले ही क्वेश्चन की प्रैक्टिकल जीवन में नहीं देखी, थ्योरेटिकली कोई ना कोई बैलेंस शीट आपने देखी। बैलेंस शीट का लायबिलिटी वाला पोर्शन सोचिए, लायबिलिटी वाले पोर्शन में क्या क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग्स का बोल, डेट होता है, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और उसके अलावा करंट लायबिलिटीज होती हैं। करंट लायबिलिटीज में जैसे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बहुत सारी तरीके के बिल्स पेबल हो सकते हैं, तो ये सब करंट लायबिलिटी। जब हम लायबिलिटी साइड के पूरे पोर्शन की बात करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी, तो वो कहलाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। पूरे की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और उसमें से केवल अगर हम लॉन्ग टर्म पार्ट की बात करते हैं, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, तो वो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या अंतर है दोनों में, कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सारी चीजें जो लाइबिलिटी साइड है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या उसमें से लॉन्ग टर्म एलिमेंट। हमें वैसे तो दोनों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितनी हो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी हो, बहुत ध्यान से रखना चाहिए। तब भी ज्यादा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे कि शॉर्ट टर्म पे? लॉन्ग टर्म, ऐसे डिसीजंस जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट करने वाले हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का कोर एलिमेंट है, मेन एलिमेंट। कोर एलिमेंट मीन्स मेन एलिमेंट है, ये बात है। ये दोनों में डिफरेंस है, जरा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी Contains, क्या और लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी एंड, आप समझ गए ना, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी और शॉर्ट टर्म यानी करेंट लाइबिलिटीज। ऑन दी अदर हैंड, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द सम टोटल ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल ओनली, केवल लॉन्ग टर्म। एंड दस बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, कौन सी ट्रू है आपको बता रही? पहली स्टेटमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, दूसरी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहली वाली ट्रू है पक्का, कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पार्ट है, यही बात यहां लिखी है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द सम टोटल ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड दस इट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। आप अगर कोई बैलेंस शीट देखें तो आमतौर पर लाइबिलिटी साइड में दोनों चीजें होती है, लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है। लेकिन अगर हम एक सिचुएशन सोचें तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या? पहली, मैं दो केसेस दूंगा, दोनों में अगेन एक सही एक गलत। पहली सिचुएशन क्या ऐसा हो सकता है कि केवल लॉन्ग टर्म पार्ट हो किसी की बैलेंस शीट में, केवल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो, शॉर्ट टर्म हो ही नहीं? क्या 1% प्रोबेबिलिटी, 1% प्रोबेबिलिटी, ऐसे तो आमतौर पर दोनों होते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है केवल लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म ना हो? और या फिर दूसरी स्टेटमेंट, केवल ऐसा हो सकता है क्या शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म ना हो? इन दोनों में अगर कुछ एक होगा तो ज्यादा संभावना किसकी है? हाँ, कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म नहीं, इसके कोई करंट लाइबिलिटीज नहीं है, नहीं है, क्रेडिटर्स वगैरह तुरंत पेमेंट कर देता है। आमतौर पे तो दोनों रहते हैं, लेकिन अगर तब भी अगर कोई एक की बात करे तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म पार्ट हो शॉर्ट टर्म ना हो। ऐसा कभी नहीं होता कि शॉर्ट टर्म पार्ट है लॉन्ग टर्म, नहीं तो व्यापार कैसे चल रहा है? कैपिटल ही नहीं लगा रहा, व्यापार कैसे चल रहा है? दैट मीन्स एक ऐसी कंपनी जिसमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है नहीं, केवल लॉन्ग टर्म है,
तो जो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा वही उसका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। ट्रू और फॉल्स? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म करके बनता है। शॉर्ट टर्म है नहीं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में भी केवल एक ही चीज बची, उसमें लॉन्ग टर्म और कैपिटल स्ट्रक्चर में होता ही लॉन्ग टर्म है। यानी अगर किसी में शॉर्ट टर्म नहीं है तो जो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वही कैपिटल स्ट्रक्चर है। यानी आमतौर पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर से बड़ा होता है और होगा भी तो बराबर हो सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कभी कैपिटल स्ट्रक्चर से कम नहीं हो सकता, ये तो जाहिर सी बात है। बराबर हो सकता है क्या? कैसे, कब बराबर हो सकता है? जब शॉर्ट टर्म ना हो। अगला डिफरेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कोर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का कोर एलिमेंट, मेन एलिमेंट है। रीजन बीइंग, इसमें लॉन्ग टर्म चीजें। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट विदाउट करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी हो सकता है ना हो, केवल एक ही कैपिटल स्ट्रक्चर हो। एंड इन सच केसेस, ऐसे केसेस में जहां पे करेंट लायबिलिटी नहीं होगी वहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर किसके बराबर होगा? आपका चैप्टर का नाम क्या है? यानी हम लोग इस चैप्टर में लॉन्ग टर्म की बात करने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म की? लॉन्ग टर्म। ये चैप्टर केवल लॉन्ग टर्म से डील करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए एक और चैप्टर पढ़ेंगे एफएम में, अभी के करिकुलम में वर्किंग कैपिटल का एक और चैप्टर पढ़ेंगे, वो शॉर्ट टर्म से डील करेगा। ये चैप्टर किससे डील करेगा? लॉन्ग टर्म से। और कोई पूछ बैठे कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डिफरेंस, तो दोनों को सेम चीज मत बता देना, दोनों में अंतर। ये दो डिफरेंसेस आप लिख लोगे पक्का, क्लियर? हम लोग की कोशिश क्या है इस पूरे चैप्टर में? ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढना जिससे WACC कम से कम आए और वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा से ज्यादा है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल भी बोल सकते हैं, ऑप्टिमम भी बोल सकते हैं। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ कि ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो उस सिचुएशन में सबसे बढ़िया है, परफेक्ट है, उससे कुछ भी ज्यादा या कम होगा तो मजा नहीं आएगा। मैंने आपको एक बार और भी जब चैप्टर्स पढ़ाए थे एफएम में तो बताया था कि ऑप्टिमम का मतलब होता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको याद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई चाय पीता है, टी पीता है, अब चाय में उसको चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए होती है, किसी को कम, तो कौन सा बेटर है, कौन सा व्यक्ति बेटर है, जो ज्यादा चीनी वाला कि जो कम वाला? ऐसे कैसे कह सकते हैं कम ज्यादा, वो अपना स्वाद है, है ना? हम हेल्थ की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल मोटा हो पतला हो, हम बात कर रहे हैं कौन सा व्यक्ति अच्छा है मार्केट। अरे भाई वो अपनी जगह सही, वो अपनी जगह सही है। कुछ लोग नमक ज्यादा खाते हैं दाल में, कुछ लोग कम खाते हैं, सबको अपने अपने पसंद है कि नहीं? आप समझ रहे ना मेरी बात को? तो जिसके लिए जो बेटर है वो उसके लिए ऑप्टिमल है। मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था आपको, ये लाइन आपने सुनी होगी, मेरा पति, हाँ देखो बताए, मेरा पति मेरा देवता है। तो मेरा पति मेरा देवता, सबका देवता नहीं है, आप समझ रहे हैं ना बात को? तो वो है ऑप्टिमल, आपके लिए ऑप्टिमल। तो हमें यहां पे यही सुनना है, यही समझना है, इसी को देखना है कि साहब उस सिचुएशन में ऑप्टिमम क्या है, उस सिचुएशन में क्या परफेक्ट है। लेट्स से अगर आपका व्यापार का नेचर जो है वो ऐसा है कि भाई आप माल बेचते हैं नगद में, माल बेचते हैं तुरंत पैसा मिलता है, हो सकता है ऐसा व्यापार हो, ऐसे में बहुत ज्यादा लोन लेके करोगे क्या? बहुत सी मार्केट में इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो माल व्यापार बेच रही हैं और नगद, जैसे मान लीजिए मिल्क इंडस्ट्री, दूध के पैकेट अमूल और नमस्ते इंडिया और मदर डेयरी, जाने क्या क्या आते हैं, बहुत सारे आते हैं मार्केट। अब वो सुबह गाड़ी उतारते हैं, उसका जब शाम को देते हैं पहले सुबह वाला पेमेंट ले लेते हैं। तो अगर आपका माल हाथों हाथ बिक रहा है तो बहुत ज्यादा लोन लेके क्या करोगे? बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें माल में उधारी बहुत देनी पड़ेगी, आपको उधार बेचना पड़ेगा तो पीछे से आपको उधार भी लेना पड़ेगा। बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे एजिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, चावल वगैरह अगर आप अच्छी कंपनी के खरीद रहे हैं, इंडिया गेट वगैरह के वगैरह, बहुत टाइम उसको रख करके बेचते हैं, उसको पहले बनाते हैं, एक डेढ़ साल रख के बेचते हैं, जितना पुराना चावल है उतना बेटर होता है। भाई अब पुराना चावल बेटर है तो क्या आज बेचेंगे फिर एक साल बाद बेचेंगे? नहीं, बेच तो रोज ही रहे, आज जो बेच रहे वो आज से एक साल पुराना है, डेढ़ साल पुराना है, कल जो बेचेंगे वो कल से पुराना है, तो बराबर तो बेच रहे, बट एट द टाइम हमारा पैसा ब्लॉक पड़ा है, डेढ़ साल दो साल का पैसा एक बार में। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। हर इंसान इस जीवन में ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के पीछे भागता है। ऑप्टिमम मतलब होता है सबसे अच्छा, लेकिन याद रखिएगा ऑप्टिमम एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है,
प्रैक्टिकल जीवन में हमें सब ऑप्टिमल पे ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कहने का मतलब, जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे, आपके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप ये पेपर में कितने मार्क्स ले आए, 100 में से सबसे अच्छा क्या होगा, 100। बट ये बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क है, हम इसकी लड़ाई करेंगे साहब। हम घर पे खूब मेहनत करेंगे, 100 में 100 की लड़ाई करेंगे, पर जब हम 100 में 100 की लड़ाई करेंगे तब हम 80 90 70 60 पे गिरेंगे। तो हम अचीव करना चाहते हैं ऑप्टिमम, मिलता है सब ऑप्टिमम। सेम तरीके से जब आप शादी करेंगे, आप बेस्ट जीवन साथी चुनेंगे ना, सच्चाई है यस और नो? कि कोई भी काला कलूटा आप चुन लाओगे? नहीं चुनते। आम इंसान चुनता है क्या? जो सच है। देखो फैक्ट की बात करते हैं, दुनियादारी को छोड़ दो, इंसान क्या करता है? सबसे सुंदर लड़की, सबसे सुंदर लड़का, है ना, अच्छी जॉब हो, पढ़ा लिखा हो, यही तो चुनता है। ये आप अपने हिसाब से ऑप्टिमम चुन रहे। चुनने के बाद पता चलता है कि ये तो खाता पीता है। अब समझ गए मेरी बात को? तो फिर उसे एडजस्ट करना शुरू करता है, यार ये तो मोबाइल में ही लगा रहता है, ये मोबाइल में ही लगी रहती। तो कोई भी इंसान भागता ऑप्टिमम की तरफ है, बट ऑप्टिमम अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि ऑप्टिमम पता ही नहीं ना क्या होगा। अगर हमें ऑप्टिमम पता चल जाए तो इसका मतलब है हमारी फर्म की वैल्यू हाईएस्ट हो गई। फर्म की वैल्यू हाईएस्ट हो गई मतलब इससे ज्यादा कभी बढ़ ही नहीं सकती। कि मान लो ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है और फर्म की वैल्यू 1 करोड़ हो गई, ये हाईएस्ट है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि किसी फर्म की वैल्यू, जैसे आज मान लो रिलायंस का शेयर मान लो 5,000 का चल रहा है, अगर हम ये कहते हैं ये हाईएस्ट प्राइस, इससे ज्यादा यानी कभी होगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता। तो ऑप्टिमम एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम इसके पीछे भागते हैं, बट अचीव क्या होता है? सब ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमल वर्ड का मतलब क्या है पढ़ के देखिएगा, बहुत जरूरी है। बाय द टर्म ऑप्टिमम, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वी मीन क्या? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, अलग अलग जो स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स है। सर कंपोनेंट्स मतलब, कंपोनेंट्स मतलब बेटा इक्विटी लिख लो यहां पे, वेरियस कंपोनेंट्स मतलब इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग और डेट, प्रेफरेंस शेयर। कह रहा ऑप्टिमल का मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट इन सब का, which is just in tune with the both long term and short term objective of the firm, जो आपके long term और short term objective के just in tune, just in tune मतलब अगर कुछ भी arrangement हमने हिलाया, थोड़ा भी equity ज़्यादा कर दिया, debt कम कर दिया, या equity कम कर दिया, debt ज़्यादा कर दिया, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। कि हमें इतना नमक बिल्कुल perfect, अब एक भी दाना नमक अगर ज़्यादा होगा तो मज़ा नहीं आएगा, कम होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो optimal means जो just in tune है आपके हिसाब से, सबके लिए सेम नहीं हो सकता, सारी इंडस्ट्रीज में सेम नहीं होता, क्योंकि सारी इंडस्ट्री में सेम होता तो बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं, जो कंसल्टेंट है वो घर पे बैठ जाते हैं। तो वो सिचुएशन के हिसाब से बताते हैं कि सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अ कॉम्बिनेशन लेस और मोर देन द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन, अगर आप ऑप्टिमल से कम या ज्यादा करेंगे वुड बी लेस देन सेटिस्फाइंग, यानी थोड़ा कम सेटिस्फाइंग मिलेगा। बट हमारी कोशिश सबकी यही है ऑप्टिमल की तरफ भागना, लेकिन मिलता क्या है? सब ऑप्टिमल। हेंस एक सब ऑप्टिमल, सब ऑप्टिमल मतलब जो ऑप्टिमल के बहुत नजदीक है, ऑप्टिमल नहीं हो सकता कभी। हेंस अ सब ऑप्टिमल वुड अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एक आइडियल सिचुएशन है जो फंक्शन करती है एज ए बेंच मार्क ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ए, यहां तक बात आपको समझ में आ गई? पक्का कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं कैसे निकलेगा, क्या क्या थ्योरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चार बेसिकली अप्रोचेस हैं। एक नेट इनकम अप्रोच है जिसको हम और आप प्यार से कई बार एनआई अप्रोच के नाम से भी बोलेंगे, यहीं पे लिख लो आप भी इसको, कई बार हम लोग एनआई अप्रोच भी बोलेंगे, शॉर्ट में एनआई मीन्स नेट इनकम और कुछ नहीं। और ऐसे ही नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को कई बार एनओआई अप्रोच के नाम से भी हम लोग बोलेंगे, कई बार एग्जाम में भी बोल देता है कि आप WACC या वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए एज पर एनओआई अप्रोच। तो एनओआई मींस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को प्यार से हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच ही बोलेंगे, इसमें कुछ और नहीं बोलते हम लोग, है ना, नॉर्मलिटी अप्रोच ऐसा नहीं बोला जाता। और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच का तो MM अप्रोच लिखा भी है, और आप जगह जगह देखा कि MM भी बोल सकते हैं, मोदी गिलानी मिलर भी बोल सकते हैं। अब ये चार अप्रोचेस, सबसे पहला अप्रोच की बात करते हैं, नेट इनकम अप्रोच। ये कहता क्या है पहले मैं आपको बताऊं, फिर ये पढ़ाऊंगा। वैसे अगर मैं और हिस्ट्री देखता हूं और बुक्स पढ़ता हूं फाइनेंस की, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो नेट इनकम अप्रोच है ये बेसिकली डॉरेन डेविड साहब थे वो लेकर के आए थे, ऐसा माना जाता है। तो आपकी बुक में नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा है इसको कहेंगे। और ये है क्या नेट इनकम अप्रोच के पीछे थीम क्या,
डेविड साहब का ये कहना था कि हमेशा क्या होता है केडी और केई में केडी थोड़ा कम होता है और केई थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसा ही तो आपने भी देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, केडी कम है केई ज्यादा है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि डेट में थोड़ी रिस्क कम होती है, इक्विटी में ज्यादा होती है। जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है डेट में तो उसको थोड़ा सा कम रिस्की फील होता है। इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, आपने देखा था ना, मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, अगर मैं किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदता हूं थोड़ी सी कम रिस्क है, कल को अगर कंपनी बंद भी हुई तो पहले डिबेंचर्स वगैरह वालों का पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू इक्विटी, एज कंपेयर टू इक्विटी। और दूसरी कंपनी में अगर इक्विटी में लगाता हूं तो पैसे डूबने के चांसेस बढ़ते हैं, रिस्क बढ़ती है, तो इक्विटी में पैसा लगाऊंगा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती, तो केई ज्यादा होता है और केडी कम होता है। डेविड साहब ने कहा कि साहब कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर रखते हो, जैसे मान लो आपने ना WACC निकालना सीखा था, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, मान लो किसी का आपने सीखा था ना, याद है ना WACC निकालना, केडी है मान लो किसी का 10% और उसका केई है बेटा लेट से 18% और उसके यहां ना 1 लाख रुपीज का डेट लगाए और 1 लाख का ही इक्विटी लगाए, टोटल 2 लाख रुपए लगे हैं, 1 लाख का डेट है और 1 लाख का इक्विटी, क्या आप WACC निकाल पाओगे मेरे लिए बताओ जरा? ये अमाउंट मैंने आपको दे दिया, इसकी मदद से आप वेट निकाल लोगे, कॉस्ट आपको दे दिया। WACC निकालने के लिए आपको वो फॉर्मेट सिखाया था याद है, एक मैं आपको याद दिला देता हूँ, याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है शायद, याद दिला देता हूँ। एक सोर्सेज का कॉलम अपन बना रहे थे, एक अमाउंट का कॉलम बना रहे थे, और काहे का बनाते थे WACC में, वेट का बनाते थे, स्पेसिफिक कॉस्ट का बनाते थे, और किसका बनाते थे बेटा? WACC का। अब याद आ रहा है कुछ याददाश्त? कुछ सोर्सेज में एक हमारे पास डेट है, एक इक्विटी है, अमाउंट में 1 लाख का मैंने डेट एज्यूम किया है और 1 ही लाख का मैंने इक्विटी एज्यूम किया है, इसे मैंने एज्यूम करके डेटा आपको दिया है, इससे हमको ना WACC भी याद आ जाएगा, कैसे निकालना सीखा था याद आ गया, आप लोग को आंसर भी आने लगे। कितना बता रहे हैं आप लोग? 14% बता रहे हैं, वेरी गुड। और उसके बाद इसका टोटल अपन किया करते थे 2 लाख, फिर वेट के लिए 1 लाख अपॉन 2 लाख यानी 0.5 और ये मैंने आपको 10 दिया है, ये 18 दिया, मल्टीप्लाई करते थे फिर हम, तो 10 × 0.5 और ये 9, दैट इज KO हमारा आता है 10 × 0.5। तो इसमें WACC हमारी 14% है। लेट्स से एक और एग्जांपल आपको चेक कर लेते हैं, एक और एग्जांपल से मान लीजिए सब कुछ यही है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए KD वही आपका 10% है, KE 18% है, और इस बार मान लेते हैं अमाउंट में 1,20,000 का डेट है और 80,000 का इक्विटी है। अब आप KO निकाल पाएंगे? निकाल के बताइए फटाक से, देखते कौन पहले बताएगा। 1,20,000 का आपका डेट है और आपकी 80,000 की इक्विटी, बाकी KD और KE मैंने वही लिया। गलत बता रहे हैं, फिर से निकालिए। है जी 13.2, बाकी लोग का भी यही आ रहा है 13.2, आपने 14.2 बोला था ना, 13.2, तो बच्चे कह रहे 13.2% आ रहा है 13.2। और एक और बता दो जरा, मान लो KD आपका वही 10% का है, KD 10% है लेकिन अमाउंट कर लेते हैं लेट से 1.5 लाख, और KE आपका 18% है और अमाउंट कर लेते हैं मान लो 50,000। अब बताओ जरा KO, कितना? 12, एग्जैक्टली 12 आ रहा है, ठीक है, सबका 12 आ रहा है ना, आ रहा है 12%।
अगर आप देखिए सबसे पहले हमारा जो आंसर आया था केओ वो कितना आया था 14% का, दूसरा हमारा केओ कितना आया था 13.2, तीसरा हमारा केओ कितना आया 12%। मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेरे जो एग्जांपल मैंने लिया कि गिर रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, गिर रहा है। और हमें चाहिए क्या, कम होता हुआ केओ अच्छा है हमारे लिए कि बढ़ता हुआ केओ अच्छा है? कम होता हुआ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि तीनों ही केसेस में केओ डिफरेंट है, जबकि केडी और केई तो मैंने सेम ही लिया है। आप देखिए केडी मैंने तीनों केसेस में कितना लिया है, दिख रहा है ना आपको, केडी तीनों केसेस में कितना लिया है 10%, और केई भी तीनों केसेस में 18 लिया है, और ओवरऑल अमाउंट भी अगर आप देखो तो तीनों केसेस में 2 लाख है, टोटल अमाउंट जो है वो 2 ही लाख है। पहले केस में 1 लाख है तो 2 लाख, दूसरे केस में 1,20,000 80,000 तो भी 2 लाख, तीसरे केस में 1,50,000 50,000 तो भी 2 लाख। ओवरऑल अमाउंट सेम है, केडी और केई सेम है, तो क्यों क्यों चेंज हो रहा है, क्यों क्यों गिर रहा है? बड़ा सिंपल सा आंसर है, तो यही आंसर छुपा है अगर आप बता पाए तो। डेट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्यों क्यों गिर रहा है? डेट का अमाउंट बिल्कुल आप ठीक पहुंच रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं, थोड़ा और डिटेल मेरे को चाहिए। डेट का अमाउंट बढ़ रहा है, बिल्कुल सही, तीनों सिचुएशन में अगर हम देखें धीमे धीमे मैंने डेट का अमाउंट को बढ़ाया है, क्यों गिरता हुआ मेरे को मिला है, ऐसा क्यों हुआ है? ओके, और इधर से एवरेज हो जा रहा है, ठीक है, और क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केडी और केई में केडी कम है, केडी सस्ता है, तो जब आप सस्ती चीज का प्रपोर्शन बढ़ाओगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग अपने आप कम हो जाएगी। मान लीजिए आप मिठाई बना रहे हैं, पेड़ा बनाना है, बहुत ध्यान से समझना, पेड़ा बनाना है और मान लेते उसमें दूध लगने वाला है और चीनी लगने वाली है। अब एक शॉप में आप गए, उसने कहा साहब ये 2 तरीके के पेड़े रखे है। आपने कहा ये 2 तरीके के अंतर क्या है दोनों में? उसने कहा साहब ये जो है एक पहले नंबर वाला, इसमें चीनी का कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, और दूसरे वाले में चीनी थोड़ी कम है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा रेट क्या है? कहता सर जिसमें चीनी ज्यादा है उसका है रेट 500 रुपए किलो, वो है पेड़ा 500 रुपीज केजी, और जिसमें चीनी कम है। हमने कहा बताओ, कह रहा सर आप बताइए कि इसका रेट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, भूल जाते हैं एफएम को, है ना, आज घर पे जाके मम्मी आप से भी पूछना, उतना ही पूछना कि आपको घर से बाहर ना निकाले। क्या होना चाहिए आमतौर पे वो जो एक, बाकी दोनों में सब कुछ ठीक है सेम है, बस पहले वाले में चीनी का प्रपोर्शन थोड़ा ज्यादा है, दूसरे वाले में चीनी का प्रपोर्शन थोड़ा कम है। जिसमें चीनी ज्यादा है, खाते बिल्कुल चीनी चीनी आ रही, मीठे मीठे मीठा मीठा, वो 500 रुपए किलो है, तो जिसमें चीनी कम है उसका रेट क्या होगा, ज्यादा रखेगा कि कम रखेगा? सेम तो रेट नहीं है, ज्यादा कि कम, कितने लोग कह रहे ज्यादा रखेगा रेट, कि अगर इसका 500 है तो लेट से उसका 600 होगा। एक आंसर है कि उसका 600 होगा, एक आंसर है कि 400, इन्हीं दोनों में एक आंसर है मान लेते हैं। तो 600 वाले कितने की, उसका रेट 600 होगा जिसमें चीनी कम है, और 400 वाले जिसमें चीनी कम है उसमें 600 होगा कि 400 होगा? सर हमें क्या बता, हम कौन सी मिठाई की दुकान खोले बैठे? देखिए साहब मार्केट में क्या सस्ता है, चीनी सस्ती है कि दूध जो घोट करके आप वो पेड़ा बनाएंगे वो सस्ता पड़ेगा? क्या सस्ता है? चीनी सस्ती, अरे दूध सस्ता है। मार्केट में कुछ खरीदने तो जाइए तुम लोग ना, थोड़ा बहुत घर गृहस्थी का सामान लाते हो कि नहीं? लाया करो, मार्केट जाया करो, 2 चीजें होंगी, एक तो ना जब उठाओगे भारी तब पता चलेगा आपको थोड़ा वजन, हेल्थ भी बनेगी आपकी, दूसरा आप जाओगे मार्केट में, थोड़ा निकलो घर से बाहर, दुनिया पता तो करो क्या है। ये सब चीजें ऐसा नहीं होता कि मम्मी पापा ले आएंगे, उनसे बोलो कि हमें जाना है, इसी से आप समझदार बनोगे, है ना। ये मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ ये किसी किताब में थोड़ी ना लिखा है, क्या आज मैं पढ़ के आवाज चीनी कम थी चीनी ज्यादा है, ठीक है भाई साहब, जिसमें जाहिर सी बात है चीनी का कंपोनेंट कम है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा रही होगी, क्योंकि चीनी कम है तो बाकी चीज ज्यादा है, तो वो बिकेगा 600 रुपए की, और जिसमें चीनी का कंपोनेंट ज्यादा है उसकी कॉस्ट अपने आप थोड़ी कम हो गई, क्योंकि सस्ता सोर्स ज्यादा है ना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब उसमें 2 चीजें मिलनी है, एक थोड़ी सस्ती चीज एक थोड़ी महंगी चीज। अगर सस्ती चीज ज्यादा बढ़ाओगे तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, और सस्ती चीज अगर कम कर दोगे तो ज्यादा। वो छोड़ते चलो आप लोग अमीर अमीर हो वाला एग्जाम्पल लेते हैं,
सोना खरीदा कभी, है ना? लेट्स से एक 24 कैरेट का प्राइस है, एक 22 कैरेट का, एक 18 कैरेट का, कौन सा प्राइसिंग ज्यादा होती है? 24 कैरेट। ऐसा क्यों? 22 कैरेट वाले में, 24 कैरेट में तो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स तो बन नहीं पाते, है ना? 22 कैरेट और 24 कैरेट तो प्योर हो गया गोल्ड एक तरीके से, 22 कैरेट वाले में थोड़ी खोट और मिली होती है, खोट समझते हैं ना, है कॉपर एंड सब अपन बनाते नहीं, वो यही खोट पता है ना, जो भी अब मिला होता है। 18 कैरेट में और थोड़ी खोट मिली होती है, गोल्ड थोड़ा कम होता है, तो उसका प्राइस और कम हो जाता है। तो यानी एक सस्ता सोर्स एक महंगा सोर्स, खोट थोड़ी सस्ती, गोल्ड थोड़ा महंगा। सस्ता वाला बढ़ाओगे तो अपने आप कॉस्टिंग क्या होगी? कम होगी। डेट एंड इक्विटी वैसा ही है। डेट थोड़ा सस्ता सोर्स होता है, चीपर सोर्स होता है, इक्विटी थोड़ा महंगा सोर्स होता है। अगर आप कॉम्बिनेशन में डेट का प्रपोर्शन बढ़ाओगे, सस्ते सोर्स का प्रपोर्शन बढ़ाओगे, ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। डॉरेन डेविड साहब ने नेट इनकम अप्रोच में यही कहा कि केडी इज लेस देन केई, केडी इज लेस देन केई, इसलिए डेट का प्रपोर्शन, डेट का अमाउंट, केडी तो कॉन्स्टेंट है, क्या बढ़ा सकते हैं आप? डेट का अमाउंट, डेट का वेट अगर आप बढ़ाओगे तो अपने आप केओ आपका क्या होगा? कम होगा। और केओ कम होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी ही बढ़ेगी। केओ में और वैल्यू ऑफ फर्म में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होती है। वैल्यू ऑफ फर्म में और केओ में कौन सी रिलेशनशिप होती है? हमेशा इनवर्स। अगर केओ कम होगा तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऐसा कहा डॉरेन डेविड साहब ने। अगर मैं इस पे ना आपको इनका चार्ट भी समझाने की कोशिश करूं सिर्फ आपकी समझ के लिए, देखो इधर डॉरेन डेविड साहब ने कहा ऐसा होता है सर। ने कहा कैसा? थोड़ा सा इसको ये लिखते हैं। हाँ ये देखो, ये ग्राफ है एक तरीके से। इन्होंने कहा सर लेट से अगर आपका केडी ये है, ये केडी की लाइन है, मान लेते हैं केडी आपका लेट से वही अपने एग्जांपल मान लेते हैं 10%, तो के इससे ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। इन्होंने कहा साहब के मान लो यहां कहीं होगा और के की लाइन के है 18%, और ये जो है एक्स एक्सिस पे ये है आपका अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग डेट का प्रपोर्शन, अमाउंट ऑफ डेट, ये जीरो डेट, ये लेट से 1 लाख का डेट, ये 2 लाख का डेट, ये 3 लाख का डेट, ये 4 लाख का डेट, ये 5 लाख का डेट, एंड सो ऑन। अगर हम जीरो डेट रखेंगे यानी डेट होगा ही नहीं। मान लो एक क्वेश्चन इसी में लूं, इसी में ही ये जो एग्जांपल आपने 3 करे, सेम में अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं चौथा, जहां पे चौथे एग्जांपल में मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए, चौथे एग्जाम्पल में यही केडी 10, के 18 और अमाउंट में डेट है ही नहीं, जीरो है अमाउंट जो है, डेट है ही नहीं, पूरा का पूरा 2 लाख रुपए का इक्विटी है। अगर ऐसे में आप क्यों निकालने के लिए मैं आपसे कहूं तो क्यों कितना आएगा? 18 आएगा। चेक करना चाहो निकाल करके, मैं 2 मिनट रुक सकता हूं अगर आप कहो तो, 18 ही आएगा जब डेट है ही नहीं, तो जो के है वही के है। अगर आप फॉर्मूले से भी निकालोगे तो आपको पता चलेगा 18 आएगा। तो दैट मींस अगर हमारा डेट नहीं होगा, इधर देखना, अगर डेट जीरो, डेट जीरो होगा तो केओ कितना होगा? जो के ही है 18% होगा, भी आपने निकाला। दूसरा लेट से आपने कहा कि अगर सर हमारा डेट 1 लाख होगा, डेट 1 लाख होगा तो केओ कितना था? 14, यानी 18 से कम था कि 18 से ज्यादा था? कम था। तो केओ हमारा थोड़ा सा कम होगा, यहां पे कहीं पे होगा। और अगर हम डेट का प्रपोर्शन और बढ़ा दें, डेट 1,20,000 कर दे, बढ़ा दें, तो केओ कम हो रहा था कि ज्यादा हो रहा था? कम हो रहा था। डेट का प्रपोर्शन बढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं, इधर चल रहे हैं इधर, और केओ कम हो रहा है यानी ये लाइन और गिरेगी। ऐसे ही अगर इधर बात करें, यहां डेट और बढ़ाया, केओ और कम हुआ, डेट और बढ़ाया यानी इधर आगे भागना है और केओ कम करना है। इन्होंने कहा साहब ये केओ की लाइन है, ये गिरती जाएगी, ये कम होती जाएगी, जैसे जैसे तुम क्या बढ़ाते जाओगे? डेट बढ़ाते जाओ। तो इन्होंने सिंपली एक थीम दी कि कुछ सोचना ही नहीं है सर, जितना ज्यादा पॉसिबल हो एज पर एनआई अप्रोच, जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा डेट रखो, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, कह रहे अपना दिमाग लगाओ ही नहीं,
अगर हम डॉरेन डेविड साहब की बात मान लें तो वो कहते हैं साहब अपना दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, चार अप्रोचेस हैं, चारों अलग अलग बातें करेंगे, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, बट जो पहला अप्रोच है जो डॉरेन डेविड साहब ने दिया, जिस अप्रोच का नाम क्या है, नाम क्या है, नेट इनकम अप्रोच, आपको नाम उसका याद रखना है, एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। ये सिंपल कह रहे हैं डेट का अमाउंट बढ़ाइए और क्या कम हो जाएगा, डेट का अमाउंट बढ़ाने से केओ कम हो जाएगा, और केओ कम हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म अपने आप बढ़ जाएगी। और भी अप्रोचेस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इनका अप्रोच की जो थीम है ये प्रैक्टिकली वैलिड है भी कि नहीं है, कितनी वैलिड है, बट अभी के लिए तो देखते हैं इन्होंने क्या बोला, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो देखते हैं जरा क्या बोला इन्होंने, नेट इनकम अप्रोच। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों अप्रोचेस में, किसी एक अप्रोच पे आपको जरूर क्वेश्चन मिलने वाला है। नेट इनकम अप्रोच स्टेट्स दैट क्या देयर इज ए रिलेशनशिप, कह रहा साहब रिलेशनशिप होती है ना, बिल्कुल होती है, हमने कहा किसके किसके बीच में, कह रहा कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म के बीच में, कैपिटल स्ट्रक्चर अगर सोच समझ करके सही रखोगे तो अपने आप वैल्यू ऑफ फर्म भी बढ़ेगी। तो क्या रखना है कैपिटल स्ट्रक्चर में, ज्यादा क्या रखना है इनके हिसाब से, डेट, और अपने आप जब डेट ज्यादा रखोगे तो क्यों क्या होगा, कम, और वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अगर इसमें मैं ऐसे लिख दूं आपके लिए, डेट का प्रपोर्शन बढ़ाओगे तो अपने आप आपका क्यू जो है वो कम हो जाएगा और आपकी वैल्यू ऑफ फर्म, वी एफ लिख रहा हूं, वी फॉर वैल्यू, एफ फॉर फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो ये एक थीम है इसकी, देखते हैं क्या बोल रहे हैं, नेट इनकम अप्रोच स्टेट दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म बाई इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल। अगर आप टोटल कैपिटल में डेट का प्रपोर्शन बढ़ाएंगे, जो हमने एग्जाम्पल में भी लिया, सभी जगह पे टोटल कैपिटल 2,00,000 थी बट डेट का प्रपोर्शन धीमे धीमे बढ़ाता गया, उससे हुआ क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी। केवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा है तो हम क्या समझे, केडी समझे, केई समझे कि केओ, केओ। अगर केवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो हमेशा इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही माना जाता है, यार इससे क्या होगा सर, केओ जो है वो कम होगा एंड वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये अप्रोच पे इनकी क्या एजम्पशंस थी, पहली एजम्पशन केडी हमेशा केई से है, केडी हमेशा हमेशा केई से कम होगा, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रैक्टिकल जीवन में भी आमतौर पे ऐसा ही देखा जाता है। दूसरी एजम्पशन केडी और केई कांस्टेंट होगा, रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जितना केडी होगा उतना ही केई होगा, ये लिखा है नहीं, ये नहीं लिखा, क्या लिखा है आप सही बता रहे हैं, बताइए कि एक बार अगर केडी और केई डिसाइड हो गया तो भले ही आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ा दो या कम कर दो, केडी और केई चेंज नहीं होगा। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में आपको अलग अलग लिए, इसमें हमने अलग अलग प्रपोर्शन किया, डेट का प्रपोर्शन भले ही बढ़ा दिया या कम कर दिया, हमने केडी और केई चेंज नहीं किया, ऐसी डॉरेन डेविड साहब की एजम्पशन है दूसरी। और तीसरी एजम्पशन इन्होंने ली कि टैक्स नहीं होता, देयर आर नो टैक्सेस, ये मार्केट में टैक्स नाम की कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप जानते हैं प्रैक्टिकल जीवन में कि टैक्स होता है, आपका एक सब्जेक्ट भी है ना, बट एजम्पशन है तो अपन उसी पे करते हैं। तो तीन एजम्पशन, पहला केडी, याद करिए मेरे साथ, केडी इज लेस देन केई, दूसरा केडी एंड केई रिमेन कॉन्स्टेंट, तीसरा देयर आर नो टैक्सेस। अब इसमें कैसे ये वैल्यू निकालेंगे, यानी केओ कैसे निकलेगा, फर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी, जिसके लिए एक सुंदर सी टेबल है, इस टेबल में सब कुछ आप फिट करेंगे, आपका नेट इनकम अप्रोच आ जाएगा। और आपको हो सकता है ये टेबल का शुरुआती हिस्सा कुछ जाना पहचाना लगे, देखते हैं क्या लिखा है ऊपर हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म एंड एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप WACC के नाम से भी बोल सकते हैं, केओ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। अंडर कौन से अप्रोच में सर पढ़ा रहे हो अभी, एनआई अप्रोच में, नेट इनकम अप्रोच में, जिसमें शायद पहला आपने को याद हो कुछ सुना सुना ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी में कह रहे हैं लेस करो इंटरेस्ट तो आता है ईबीटी, लेस करो टैक्स तो आता है ईएटी। कह रहे सर ये तो हमें पता ही था, इतना पोर्शन तो हमने लेवरेज में भी सर ने पढ़ाया था, पढ़ा था ना, इसी के आगे बात सुनना ध्यान से। ईएटी में जब हम माइनस ईएटी में जब हम डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या डिवाइड कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई से डिवाइड कर देते हैं तो आता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। ईएटी में किसको डिवाइड कर दिया, ईएटी डिवाइड बाय केई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी, ईएटी डिवाइड बाय केई, केई क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ईएटी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी। और किसी भी फर्म की वैल्यू निकालनी हो तो उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी में सिंपली डेट की वैल्यू प्लस कर दो, फर्म की वैल्यू आ जाएगी।
क्या किया, बड़ा सुंदर सा टेबल है, यहीं तक पहले याद करते हैं और आप इसी तरफ देखते रहिएगा और बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट क्या आता है, ईबीटी, ईबीटी लेस टैक्स क्या आता है, ईएटी। मेरी एक बात सुनना, वैसे तो डॉरेन डेविड साहब की एजम्पशन है कि देयर आर नो टैक्सेस, तीसरी एजम्पशन, बट मैंने जब ये टेबल आपको दी तो मैंने जान बुझ करके टैक्स लिखा है। इसलिए लिखा है कि अगर एग्जाम में कहता है कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करो और टैक्स नहीं देता तो अपन लिख भी लेंगे तो जीरो लिखेंगे। अगर टैक्स जीरो है, नहीं है, तो जो हमारा ईबीटी होगा वही हमारा ईएटी होगा। और अगर टैक्स दे दे तो भी आपको आना चाहिए, यानी दैट मीन्स अगर टैक्स दे देगा तो हम टैक्स माइनस करके करेंगे। ये जितनी भी अप्रोचेज होती हैं उनपे हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सुटेबल मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। अगर टैक्स देता है तो हम फिर उसको ले लेते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए आपको कोई डिश बनानी है, कोई खाने की चीज बनानी है, खाने की बात करते हैं, है ना। तो आजकल तो बहुत सारे YouTube वगैरह पे वीडियोस नहीं पड़े होते हैं अलग अलग लोगों के, सिखाते हैं। अपने समय पे ना एक वो संजीव, क्या नाम था उसका, संजीव कपूर, पहले जब YouTube का जमाना है, हम लोग छोटे छोटे थे, मम्मी लोग शो आया करता तो दिखती थी। अब वो ना बना रहा होता तो मम्मी कहती आज हम बनाएंगे, वो आखिरी में कुछ ऐसा डाल देता था, है ना, कोई ऐसी चीज ऐड कर देते जो होती ही नहीं थी, जो सुनी ही नहीं होती थी, ये क्या डाल दिया। कई बार ऐसा होता था, अब लोग बड़े समझदार हो गए। अच्छा मान लीजिए अगर जैसे कोई भी डिश बना रहा है, तो छोटे में खाने पीने के शौकीन हूं, आता नहीं बनाना, लेकिन मान लीजिए जैसे मान लीजिए कह रहा है लाल मिर्च डालनी है, अब आपके घर में लाल मिर्च नहीं है तो आप क्या डाल दोगे, हरी मिर्च, हरी मिर्च नहीं है तो लाल मिर्च। यानी इंसान क्या करता है, सुटेबल मॉडिफिकेशन कर लेता है। अब उसने मान लो 10 हरी मिर्च डाल दी, आपके यहाँ है लेकिन आपको तीखा ज्यादा पसंद नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, आप थोड़ा कम कर लोगे। अब उसने खूब नींबू डाल दिया, आप पान मसाला खाते आपके दांत साथ नहीं देते, अब नींबू कम कर। यानी इंसान क्या करता है, सुटेबल, बहुत सही एग्जाम्पल है, सटीक एग्जाम्पल है समझने के लिए, ये अप्रोचेस नहीं तो ये समझ जाते कि भाई जब टैक्स है ही नहीं तो हम क्यों टैक्स ले रहे हैं, हम इग्नोर करते क्वेश्चन में, नहीं साहब जब हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हैं तो हम एजम्पशन को एज इट इज फिट नहीं कर देते, हम मॉडल को एज इट इज फिट नहीं कर देते, उस मॉडल में अपने हिसाब से सुटेबल एजम्पशंस कर लेते हैं। आपको समझ में आया, आप किसी बाहर देश में घूमने चले गए, किसी ठंडे देश में घूमने चले गए, है ना, जहां ठंड बहुत पड़ती है, वहां पे आपने घर बना हुआ देखा, आपको बड़ा पसंद आया, अब वो लोग आमतौर पे जो ऊपर छत होती है ना उसको ऐसे टेपर साइड में बनवाते हैं, टेंट टाइप में ऐसे दिखा होगा आपने, ताकि बर्फ टिके नहीं, गिर जाए। अब आप रहते हैं कानपुर में, यहाँ जले जा रहे हैं हम लोग गर्मी के मारे, तो आपने वैसा ही बनवाया, लेकिन अब आपको टेपर करा के फालतू एडिशनल कॉस्ट की जरूरत ही क्या थी, आप वो होती है सुटेबल मॉडिफिकेशंस। इसलिए मैंने फॉर्मूले में जानबूझ के लिखा कि साहब बच्चे को दो बार याद ना करना पड़े, बच्चे का एक ही बार में काम हो जाए, टैक्स नहीं दिया होगा तो जो ईबीटी है वो ईएटी हो जाएगा, लिख भी आएगा अगर वहां पे ईबीटी लेस टैक्स तो टैक्स में खुद ही जीरो लिखेगा वो, तो नंबर कार्ड थोड़ी ना दिया जाएगा, और नहीं लिखेगा तो लिख देगा ईबीटी जो है वो ईएटी हो गया क्योंकि टैक्स है नहीं, समझ गए। तो फिर से एक बार चलते हैं, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी। अब वैसे तो अगर आपको याद हो तो लेवरेज में अपन ने पढ़ा था कि ईएटी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड तब आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बट ऐसे क्वेश्चन में हमें प्रेफरेंस शेयर मिलते ही नहीं है, वो केवल इक्विटी और डेट ही देता है ऐसे क्वेश्चन में, तो प्रेफरेंस शेयर जब होते ही नहीं है तो जो ईएटी होता है वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो जाता है। ईएटी में जब अपन प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है, अब प्रेफरेंस डिविडेंड ही नहीं है तो जो ईएटी है वही क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमने ज्यादा मेहनत यहाँ करी नहीं आपके लिए, भाई ईएटी जो है वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, उसको डिवाइड करना है केई से, जैसे ही केई से डिवाइड करोगे आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाए, वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दोगे वैल्यू ऑफ फर्म आ जाए, दो चीजें निकालनी थी, एक फर्म की वैल्यू वो आ गई है, दूसरा क्या निकालना था, क्यों, क्यों आपको आता ही है, आता है ना, कैसे आता है, टेबल बना करके सोर्सेज अमाउंट, बोलो मेरे साथ, सोर्सेज का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, वेट का कॉलम, स्पेसिफिक कॉस्ट एंड डब्ल्यूसी से, तो एक तो वैसे भी आता है, कुछ और भी चीजें सिखा देते हैं, मतलब वैसे भी आप कर सकते हो, फॉर्मुला बेस भी कर सकते हो, फॉर्मुला बेस करो तो जल्दी आंसर आ जाएगा, यहां पे आप फॉर्मुला भी लगा सकते हो, क्या फॉर्मुला लगाएंगे सर, अगर क्यों निकालना है तो हमारे पास तीन फॉर्मुले, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, पर सर अगर हम टेबल बना के ही करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर फॉर्मुला लगाना चाहें तो क्या क्या फॉर्मुले हैं, पहला फॉर्मुला हमारे पास है ईबीआईटी, डिलीट कर दे थोड़ा, हाँ, ईबीआईटी ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन क्या किया है, वैल्यू ऑफ फर्म, 1 माइनस टी आप समझ रहे हैं टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट जीरो होगा
तो जो 1 माइनस टी है वो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, 1 माइनस जीरो 1, ईबीआईटी इंटू 1, ईबीआईटी मतलब ऊपर वाला पोर्शन में केवल ईबीआईटी हो जाएगा, और अगर टैक्स है तो 1 माइनस टी, तो इसलिए मैंने आपको टैक्स के साथ सिखाया है कि टैक्स होगा तो भी हो जाएगा, नहीं होगा तो भी हो जाएगा, तो ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म कर देंगे के वो आ जाएगा। हाँ जाहिर सी बात है जो भी आएगा उसको परसेंटेज के लिए बाद में हम इंटू 100 करेंगे, अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें समझाऊंगा, इंटू 100 को हम लोग फॉर्मूले में नहीं लिखते तो इसलिए नहीं लिखा है, तो ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू, या फिर सर हम ऐसे निकाल लें कैसे के ओ इज इक्वल टू के डी डब्ल्यू डी प्लस के ई डब्ल्यू ई। सर ये क्या है, आपने जो टेबल बनाई है, टेबल बना के करते हैं ना के ओ, ये वो टेबल से ही फॉर्मूला बनाया है। मैं आपको बताता हूं आप टेबल में क्या करते हो, अगर आप सोच पाओ तो आप सोर्सेज लेते हो, अमाउंट लेते हो, वेट लेते हो, स्पेसिफिक कॉस्ट लेते हो, और फिर आखिरी में डब्ल्यूएससीसी निकालते हो। जब आखिरी में डब्ल्यूएससीसी निकालते हो तो कौन से दो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो, वेट को और स्पेसिफिक कॉस्ट को, यानी वेट मल्टीप्लाई स्पेसिफिक कॉस्ट, पहले का वेट इंटू पहले की स्पेसिफिक कॉस्ट, या यू कैन तो डेट का वेट इंटू डेट की स्पेसिफिक कॉस्ट प्लस इक्विटी का वेट इंटू इक्विटी की स्पेसिफिक कॉस्ट। ये फॉर्मूला वही है, ये वही टेबल ही है आपकी, कुछ नहीं अलग से। क्या लिखा है देखो मैं बताऊं आपको, डेट की कॉस्ट यानी स्पेसिफिक कॉस्ट जो आप कहते हो केडी, डेट का वेट, डेट का वेट आपको निकालना आता है, डेट का वेट कैसे निकलेगा बेटा, वेट कैसे निकलता है, डेट का अमाउंट डिवाइड बाई टोटल अमाउंट, तो डेट की स्पेसिफिक कॉस्ट इंटू डेट का वेट प्लस आखिरी में डब्ल्यूएससीसी के लिए सबको वैसे ही तो करते हो, इक्विटी का कॉस्ट इंटू इक्विटी का वेट, तो ये कुछ नहीं है, ये वही टेबल है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होने की जरूरत है। तो हम टेबल से भी कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, आप टेबल से भी कर सकते हो, टेबल से करना चाहो तो आप टेबल से कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सर तीसरा फॉर्मूला क्या लिखा है, दूसरा और तीसरा अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो सेम है, जो सेकंड लिखा है ये वाला और जो ये थर्ड है ये दोनों एक ही है, पर थर्ड वाला जो है ज्यादा इलेबरेट कर दिया है, ज्यादा डिटेल कर दिया, कैसे, यो इज इक्वल टू के डी, ऊपर क्या लिखा था डब्ल्यू डी वेट ऑफ डेट, यहां वेट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं वो लिख दिया, डेट का वेट कैसे निकालते हैं, डेट का अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, अगर मान लो दो चीजें हैं डेट और इक्विटी, दो चीजें हैं तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, डेट प्लस इक्विटी, ये लिखा है कि के डी इंटू डी यानी डेट का अमाउंट अपॉन डी प्लस ई मीन्स टोटल कैपिटल, तो डी अपॉन डी प्लस ई करेंगे तो अपने आप डेट का वेट आ जाएगा, सेम तरीके से प्लस करके के ई इंटू इक्विटी का वेट, इक्विटी का वेट कैसे लिखा है, ई अपॉन क्या किया है, आप समझ पा रहे हो बात को, ये फॉर्मूला दोनों सेम है, वही टेबल है, ये टेबल की जगह बस अपने फॉर्मूले रूप में रख दिया, और उससे भी सिंपल आपका ये फॉर्मूला। सर सारे फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, मतलब बेटा मतलब सर अगर हम ये लगाते हैं ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, या फिर अगर हम के ओ निकालने के लिए लगाते हैं के डी डब्ल्यू डी प्लस के ई डब्ल्यू ई, तो क्या आंसर सेम आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, करके दिखाऊं, आपको पूरी टेबल याद हो गई है क्या, मेरी तरफ जरा देखो इधर, अब देखो जरा, कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको, अब देख के बताओ टेबल क्या थी, बताओ ईवीआईटी माइनस टैक्स कर देंगे, ईवीआईटी में पहले क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट, तो क्या आएगा ईबीटी, ईबीटी में क्या माइनस होगा, टैक्स, तो क्या आएगा ईएटी, ईएटी को क्या करें आगे डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई, तो क्या आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी में क्या जोड़े वैल्यू ऑफ डेट, तो क्या आएगा वैल्यू ऑफ फर्म, फिर क्यो निकालने का क्या फॉर्मूला लगाए ईबीआईटी ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, या फिर एक और फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं के ओ इज इक्वल टू के डी इंटू डब्ल्यू डी कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस के ई इंटू डब्ल्यू ई, या फिर एक तीसरा और डिटेल फॉर्मूला क्या लिखा था के ओ इज इक्वल टू के डी इंटू डेट यानी डी का डेट का अमाउंट अपॉन डी प्लस ई प्लस के ई इंटू ई अपॉन डेट प्लस ई, ई अपॉन डेट प्लस ई, ठीक है क्वेश्चन करें। ये टू पॉइंट्स क्या नोटेड हैं ये भी बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन करते हैं जरा, ये आंसर आप छुपा रखना ठीक है, शीट में देखना नहीं आंसर को, यहीं पे देखते हैं। सुपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ INR यानी इंडियन रुपीस 150,000 एनुअली, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या चीज होती है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, हमने आपको बताया भी था लेवरेज वाले चैप्टर में कि ये ईवीआईटी का ही दूसरा नाम होता है
तो ये अपने को ईबीआईटी दे दिया है इन्होंने 1.5 लाख रुपए का। द कंपनी हैज INR 6 लाख 8% डिबेंचर, यानी डिबेंचर 6 लाख रुपए के हैं और ये 8% बेटा क्या है इंटरेस्ट, मतलब अगर इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा 48,000। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10%, ये क्या है के ही दिया। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी, जिसको आप वैल्यू ऑफ फर्म भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ कंपनी वैल्यू ऑफ फर्म एक ही बात है, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी गेव एज पर एनआई अप्रोच, कर पाएंगे हैं? कोशिश करिए लिख लिख करके फॉर्मेट बना के देखते हैं आप कर पाएंगे क्या। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लवली, साक्षी, प्राची, समरा, पूनम, प्रज्वल, रोशनी है बेटा, केडी कितना दिया है के ही हमारा 10% है, तो जब डिवाइड करेंगे तो या तो डिवाइड बाई 10% दबा देंगे या 0.1 से डिवाइड भी कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ डेट तो 6 लाख ही लेंगे, बिल्कुल ठीक है, है जी। ये क्या चीज बता रहे हैं आप क्यों, और वैल्यू ऑफ फर्म ठीक है, मेरे को आंसर नहीं पता, मेरे को देखना पड़ेगा, बाकी लोग भी देखें क्या बताते हैं, फिर अपन आंसर की तरफ चलेंगे। फॉर्मेट देख देख करके लिख लिख करके करिए, कोई जल्दी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कर रहे हो, हाँ ठीक, कोई चीज ना समझ में आए तो हमसे पूछ लेना। ऊपर हेडिंग भी डाल देना, जैसे ये डाल रखी है मेरे, मैंने सॉल्यूशन में आपको दिख रही है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर नेट इनकम अप्रोच, ऐसी हेडिंग जरूर डाल देना। क्या हुआ
क्यू जो है उसमें आखिरी बेटा इंटू 100 कर देना, तब आपका ना परसेंटेज में आ जाएगा। नहीं 24.5 इतना ज्यादा कैसे होगा, नाइन पॉइंट टू सिक्स परसेंट। देखो ऐसे समझो ना, 8% का केडी है, केडी जो है वो 8 है, केई जो है वो 10 है, तो क्यू आमतौर पर इन्हीं दोनों के बीच में तो होना चाहिए। क्यों नेट इनकम अप्रोच में इससे ज्यादा नहीं होगा, हमेशा के ही से थोड़ा कम होगा और के डी से थोड़ा ज्यादा होगा। तो अगर 24 point something जैसे आप बता रहे हो तो वो तो गलत है आंसर। चलो मैं समझा देता हूं एक बार जिनका जिनका नहीं आ रहा। तो बाकी फर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, 16,20,000। ये कितने बच्चों की आ रही है, सही आ रही है शायद, देखते हैं जरा कैसे किया। सबसे पहले आपने ईबीआईटी पकड़ा 1.5 लाख। अच्छा ऊपर हेडिंग डाली है आप लोगों ने, क्या डाली है, पक्का डाली है ना, छोड़ के तो नहीं आओगे हैं, हेडिंग डाली है। कुछ बच्चों ने नहीं डाली होगी, डाल लेना बेटा। फिर पर्टिकुलर अमाउंट ईबीआईटी 1.5 लाख, इंटरेस्ट 48,000 कैसे आए हमको बताओगे, 6 लाख रुपीज के डेट थे इंटू 8% इंटरेस्ट माइनस किया तो ही ईबीटी बचा 1,02,000। टैक्स जीरो है, मैंने लिख दिया, आपको नहीं भी लिखना तो चलेगा, क्योंकि जब जीरो है तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ईएटी आ गया 1,02,000 का। केई 10% दिया था, इसको डिवाइड किया अपन ने 10% से। अब 1,02,000 को डिवाइड बाई 10% कैसे किया, या तो आप 1,02,000 कैलकुलेटर में लिखो 1,02,000, फिर डिवाइड का साइन दबा के 10% तो भी आपका आ जाएगा ये 10,20,000 का वैल्यू ऑफ इक्विटी, या फिर 1,02,000 डिवाइड बाई 10% का मतलब क्या होता है 0.1 भाई, 10% मतलब 10/100 यानी 0.1, या फिर आप डिवाइड बाई 0.1 करो, फिर परसेंट ना दबाना, या तो आप 1,02,000 को डिवाइड बाई 0.1 करो या फिर डिवाइड बाई 10% करो, एक ही बात आएगी है ना, यही गलत हो रहा था क्या। अच्छा तो 10,20,000 ये हुआ वैल्यू ऑफ डेट। 6 लाख कहां से ली, ये दी हुई थी आमतौर पे दी होगी आपको, तो फर्म की वैल्यू आपकी आ गई 16,20,000। अगला काम था आपका केओ निकालने का, तो केओ निकालने के 3 फॉर्मूले थे, मैंने एक से सॉल्व करके दिखा दिया, ईबीआईटी 1 - टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, तो 1.5 लाख ईबीआईटी 1 - टैक्स 0 है अपॉन 16,20,000 यानी 1,50,000 अपॉन 16,20,000 इनटू 100। तो बेसिकली ये 9.259 समथिंग आ रहा था, इसलिए 9.26 कर दिया राउंड ऑफ करके। आप चाहें तो इस या इस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी आपका 9.26% आ जाएगा, या टेबल बना के भी करेंगे तो भी आ जाएगा। एग्जाम में कुछ एक करके दिखाना है, सबसे नहीं करने बैठना, क्योंकि टाइम 3 घंटे हैं, 30 घंटे नहीं है। ठीक, क्लियर, इजी है टफ है, इजी है। तो अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो आप करके आओगे पक्का। तो चलिए क्वेश्चन 2, फिर आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 2, 3 and 4, ये 3 क्वेश्चन आप करके आना। मैंने आपके लिए ना इस पे आंसर भी इसलिए जानबूझ के नीचे लिख दिया है कि जब आप निकालोगे तो अपना आंसर आप मिला सकते हो कि आपका मैच हो रहा है कि नहीं, करके आना, फिर इस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक, कुछ पूछना है किसी को, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक बार करके आइएगा, नहीं आता है तो फिर हम करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।